A very good evening to all of you. Good evening guys. एक बार चेक कर लेते हैं, अगर सब सही चल रहा है तो फिर क्लास शुरू करते हैं. Wait a minute. Let me check whether things are running fine or not. Okay, abhi theek hai sab kuch. Hi everyone, good evening. Good evening Anubhav, good evening Sarang, good evening Mayank. So we'll begin with the class. Hamari ye second class hai art and culture pe. Aapka prelims ka paper waise hi aa raha hai, to I am sure ki aap logo ne prepare kar liya hoga apna art and culture ka section. आर्ट एंड कल्चर सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री. देखिए, जब मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन करना आज से बहुत साल पहले, तो एट दैट टाइम इवन आई फेल्ट कि आर्ट एंड कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है. तो हम आज क्या करेंगे, आर्ट एंड कल्चर को ईजिली समझेंगे. इसका लेक्चर नंबर जो वन है, लेक्चर नंबर वन ऑलरेडी अवेलेबल है अनअकैडमी पे. तो आप लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर वन वहाँ से कवर करेंगे. पिछली बार हमारा जो रह गया था, हम एक बार उसको बहुत ही जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे, एंड रिवाइज़ करने के बाद में हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन आर्ट एंड कल्चर का. तो दिस सीरीज़ इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ आशना सिसोदिया. आप मुझे अनअकैडमी पे भी सर्च कर सकते हैं. अनअकैडमी पे आई टीच वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर. वहाँ पर इंग्लिश में मैं पढ़ा रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी में अगर आप ये पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं. स्पेशल ऑफर चल रहा है, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको. रेफरल कोड आप डालेंगे आशना सिसोदिया, जिसमें ए कैपिटल डालना है, एस कैपिटल डालना है. विदाउट एनी स्पेस आप मैंशन करेंगे, 10% स्ट्रेट डिस्काउंट मिलेगा. एंड वॉट आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, लेट मी टेल यू दैट. मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा रही हूँ. ऑप्शनल पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है. 100% सिलेबस कम्प्लीशन होगा इसमें. एंड ये जो ऑप्शनल का नया कोर्स है, जो आपके मेंस 2019 के लिए फ़िलहाल बैच नंबर 5 चल रहा है. बैच नंबर 6 विच विल बी द ओनली कोर्स इन मेंस 2019, राइट. तो ये स्टार्ट होगा आपका 4th of June 2019 से. बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम नया बैच कब शुरू होगा, तो आई एम जस्ट टेलिंग देम दैट इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 4th of June. आपका 2nd June को पेपर है, उसके बाद एक दिन का हम गैप रखेंगे, मंडे का गैप रखेंगे, एंड ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे. 4th of June से हम स्टार्ट करेंगे एक नया कोर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पे. अच्छे से समझेंगे, एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. इसके साथ में आंसर राइटिंग भी साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है. नाउ अनुभव, योर क्वेश्चन इज नितिन सिंघानिया सर की बुक के कॉन्सेप्ट्स है ना. देखिए, नितिन सिंघानिया इज़ अ गुड बुक, ठीक है. आप वो फॉलो कर सकते हैं. दिस इज़ समथिंग अबाउट मी. हमने आर्ट एंड कल्चर में अभी तक जितना कवर किया है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं अनुभव, इंग्लिश में ये कोर्स अवेलेबल है. दिस इज़ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म, ठीक है. तो वहाँ पर अभी तक मैंने 17 लेसन्स बनाए हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं. ये नोट्स आपको वहीं पे ये सब चीज़ें आपको होंगी. हिंदी में भी अवेलेबल है ये पूरे नोट्स, एंड इंग्लिश में भी हैं. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है. एंड आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है आपका, तो अभी एंड में थोड़ा सा डिस्कस करें इसको, क्योंकि आज के हमारे क्लास है, हमको टॉपिक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है तो आप क्या करेंगे. गो टू माय प्रोफाइल, अनअकैडमी पे आप जाएंगे. अनअकैडमी पे दिस इज़ माय प्रोफाइल लिंक. यहाँ पर जाएंगे आप, सर्च माय नेम, एंड यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हैं. तो अगर बेसिक्स आपको समझना है, बेसिक्स इन द सेंस दैट यहाँ पर सिर्फ मैंने
जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है उसमें एंशियंट पॉलिटिकल थिंकिंग पार्ट मैंने कंप्लीट किया है फ्री प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्लासेस आपको फ्रीली अवेलेबल होंगी। अगर आपको अनुभव वो समझ में आ जाता है अच्छे से तो आप फर्दर फिर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो कोर्स नया स्टार्ट होगा हमारा 4th of June 2019 को। एंड सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये है, राइट नाउ सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट होगी दैट विल बी 31,000। तो आप खुद देखो कि ऑप्शनल की पूरा जो कोर्स होता है उसकी अमाउंट पहले हुआ करती थी 30,000। इनफैक्ट अगर मार्केट में जाओगे तो ऑप्शनल की प्राइस आपको मिलेगी 50,000, और बाकी सब अगर आपको पढ़ना है, जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा यू हैव टू पे। लेकिन इसमें क्या है, विद इन 31,000 आपको सभी जनरल स्टडीज से जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मिलेंगे एक्सेस करने को। एट द सेम टाइम आपका ऑप्शनल भी यहीं से प्रिपेयर होगा। एंड अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो आई बी माई सेल्फ पर्सनली टीचिंग यू दैट। ठीक है, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर का। अब हमने पिछली बार डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी, कि आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जब बुक्स अगर आप उठाएंगे NCERT बुक्स या नितिन सिंघानिया आप उठाएंगे तो आपको वहाँ पेंटिंग से स्टार्ट होता है, पूरा एंशियंट टाइम से इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन पेंटिंग्स का ये जो है, यू नो, एंशियंट टाइम में जो भी हमारे पेंटिंग्स मिलती हैं मध्य प्रदेश में, ये सभी पार्ट मैं अलग से एक क्लास में कवर करूँगी। ठीक है, दैट विल बी अवेलेबल ऑन Unacademy Plus, वहाँ पर कवर होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस करेंगे, स्पेशली आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पे फोकस करेंगे। तो इसमें पूरा जब हम कवर करेंगे सिलेबस, तो पीरियड वाइज हम कवर करेंगे, जिसमें आर्किटेक्चर कवर होगा एंड स्कल्पचर कवर होगा। ठीक है, विच इज़ बेटर, प्लस सब्सक्रिप्शन और फ्री वीडियोज़? वेल, फ्री वीडियोज़ आर नथिंग बट अनुभव जो कि प्लस पे सब्सक्रिप्शन पे पढ़ाया गया है ना, उसी की जो पहले के दो लेक्चर्स हैं, यानी दो जो टॉपिक हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, एज इट इज़ पूरी क्वालिटी के साथ में जो कि प्लस पे आपको मिलती है, उसी क्वालिटी में आपको फ्री वीडियोज़ में मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो प्लस का फ़ायदा ये है कि आपको ये पूरा मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्लेटो और एरिस्टोटल है, 100% सिलेबस नहीं है, ये तो सिर्फ 1% सिलेबस, 1% होगा सिलेबस का, शायद 0.5% हो ये दो टॉपिक्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारा सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस आसान बहुत है, ओवरलैपिंग है, स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा आपके लिए, जनरल स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। तो एक बार फ्री वीडियोज़ देखो, आपको समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, सब्जेक्ट समझ में आता है, तो फिर आप उसके बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, तो हमने देखा था आर्किटेक्चर क्या होता है। जब भी हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। इसमें बहुत सारे टाइप के मटेरियल यूज़ होते हैं, इसके लिए इंजीनियरिंग की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। स्कल्पचर क्या होता है, स्कल्पचर एक टाइप के मटेरियल यूज़ होता है इसमें, ये 3-dimensional वर्क होता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरी बिल्डिंग बनानी है। स्कल्पचर इज़ अ, यू नो, मूर्तिकला, मूर्तियाँ बनाते हैं ना हम, उसमें एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ होता है। उसमें इंजीनियरिंग से ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल्स की, क्रिएटिविटी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इंडियन आर्किटेक्चर धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक ही फर्स्ट स्टेज में ही हमने बहुत ही एडवांस्ड आर्किटेक्चर बनाया और वो अभी तक भी कंटिन्यू कर रहा है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है मुनीश, हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, आपका 2nd of June को पेपर है UPSC का, तो पेपर के पर्स्पेक्टिव से आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कवर करने की यहाँ पर। ठीक है, जो अभी फ़िलहाल इसमें 4 lecture series आएगी, जितना हमारा कवर हो पाएगा, एक लेक्चर हो चुका है पहला, दिस इज़ द 2nd lecture ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो इंडियन आर्किटेक्चर में धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है, ठीक है, एडवांसमेंट आई, हम इसको पूरा क्लासिफाई करते हैं कुछ पीरियड्स में। जैसे एंशियंट इंडिया का अपना एक आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ऐसे ही मेडिवियल का अपना होता है, मॉडर्न का अपना होता है। तो एंशियंट में हमें क्या क्या कवर करना होता है, एंशियंट में हमें कवर करना होता है हड़प्पा, हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज एंड साउथ इंडियन आर्ट। अभी तक हमने हड़प्पन आर्ट कम्प्लीट करने वाले हैं, इसमें बस एक दो चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, हमारा हड़प्पन आर्ट कम्प्लीट हो जाएगा,
फिर हम मौर्यन आर्ट एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट कवर करना स्टार्ट करेंगे. हो सकता है कि आज गुप्ता आर्ट भी कवर हो जाए. विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल जितना हम कवर कर सकते हैं. एटलीस्ट बाई द एंड ऑफ दिस सीरीज जितना भी एंशियंट इंडिया का आर्ट है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जितना भी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर रिलेटेड डेटा है जो हमारा सिलेबस में है, वो हम कवर कर पाएंगे इन चार लेक्चर्स में. आगे टाइम मिलेगा तो हम आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मेडिवल इंडिया का भी देखेंगे. मेडिवल इंडिया में हमें दिल्ली सल्तनत एंड इसको क्लासिफाई करते हैं मुगल आर्ट में. देन आता है मॉडर्न इंडिया का अपना, इंडो गोथिक स्टाइल एंड न्यू रोमन स्टाइल. अभी इनको समझना, इनको समझेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हमारे जो सीरीज़ है आगे बढ़ेगी, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा जाएगा, ठीक है. तो हड़प्पन आर्ट हमने देख लिया था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो अभी मैं स्किप करूँगी इसको. आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है फ्लरिश कर रही थी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. ये पूरा है यहाँ पर, आलमगीरपुर होगा यूपी में, रोपड़ होगा पंजाब में, हरियाणा में बनवाली है, राखी गिरी है, राजस्थान में कालीबंगन है, देन यू नो लोथाल है गुजरात में. ये कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में आपको, आई एम श्योर एंशियंट हिस्ट्री में आपने वैसे भी पढ़ा ही होगा, लेकिन इसको आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कवर कैसे करना है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था. तो अभी आई एम गोइंग टू स्किप दैट अप और हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पन आर्ट का जो भी टॉपिक रह गया था हमारा उसको कवर करेंगे, एंड फिर फर्दर हम आगे स्टार्ट करेंगे मॉडर्न आर्ट को. बफर कर रहा है, वेट अ मिनट धीरज, लेट मी चेक. बफर तो नहीं करना चाहिए बिकॉज आई थिंक स्पीड इज फाइन. आई एम फाइंडिंग दैट दिस इज फाइन, इट इज बफरिंग. ओके लेट मी वेट अ मिनट देन. आई थिंक इट इज बफरिंग, बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही है. स्टार्ट तो सही हो रहा है ये. आई थिंक अभी सही काम कर रहा होगा, प्लीज लेट मी नो अगर अभी सही काम कर रहा है तो. ये बफरिंग का प्रॉब्लम हमेशा ही यहाँ पर रहता है, यूट्यूब पे ही ऐसा प्रॉब्लम होता है विद मी, अदरवाइज एज सच इट वर्क्स फाइन. ठीक है, तो ब्रॉन्ज फिगर हमने डिस्कस करना था कि हमें कुछ ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले हैं यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए जाते हैं. हिंदी में इसको हम द्रवी मोम विधि कहते हैं, इससे बनाया जाता है. ठीक है, तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जो वैक्स फिगर्स होती हैं इनको सबसे पहले कोट किया जाता है, वेट क्ले के साथ में कोट किया जाएगा और इसको अलाउ किया जाएगा कि ये आसानी से थोड़ा ड्राई हो जाए. ठीक है, सबसे पहले एक वेट क्ले होगी, उस पर यू नो पूरा इसका डिज़ाइन किया जाएगा, उसको सुखाया जाएगा, एंड ये जो क्ले होगी इस पर यू नो क्ले कोटेड फिगर्स होंगी, उसके बाद में इसके अंदर पूरा वैक्स डाला जाता है, मेल्ट किया जाता है हीटेड वैक्स, और उसको यू नो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं इसमें किए जाते हैं, ताकि यहाँ से इस टाइनी होल से जो वैक्स है इसके अंदर पोर किया जाता है और लिक्विड मेटल डाला जाता है, ताकि वो अंदर जो भी यू नो देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होता है. मान लीजिए आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, क्ले का बॉक्स बनाया हमने, क्ले का एक गीली मिट्टी से हमने ये बॉक्स बनाया. इस बॉक्स को बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ड्राई करने के लिए रख देंगे, ठीक है, सुखाने के लिए रखेंगे, तो ये थोड़ा हार्डन हो जाएगा. जब ये हार्डन हो जाएगा उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें ना छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, इस छेद के थ्रू यहाँ पर मेटल डाला जाता है, पिघला करके मेटल डाला जाता है. अब इसमें पूरा मेटल हो जाएगा, अब मेटल पोर कर दिया गया, उसके बाद क्या करेंगे, ये मेटल इसमें फिर कूल करने के लिए इसको छोड़ दिया जाएगा, ताकि कूल हो जाए. कूल होने के बाद में अपने आप ही ये एकदम ठोस हो जाएगा, अपने आप ही सॉलिडिफाई हो जाएगा. ठीक है, एंड ये जो क्ले कोट होगी उसके बाद जो इसके ऊपर क्ले लगी होगी, क्योंकि अंदर तो मेटल है, ऊपर जो कोट लगा होगा
क्ले का, फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको तोड़ करके हटा देंगे तो अंदर पूरा मेटल की फिगर बन जाती है। अब जैसे इसमें हमें एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का हमें मोहनजोदारो में मिला है ये स्टैचू, तो ये भी ऐसे ही बनाया गया था। सबसे पहले ये जो स्टैचू था ये कैसे बनाया गया था, इसमें क्या किया गया था कि क्ले से पहले पूरा बनाया था, फिर क्ले इसमें क्या किया गया था, क्ले में छोटे छोटे छेद किए गए थे, उन छेदों के थ्रू इसके अंदर पोर किया गया था मेटल, और मेटल जब पोर किया गया फिर उसको अलाउ किया गया कि वो सॉलिडिफाई हो जाए, उसके बाद ऊपरी जो क्ले थी वो तोड़ करके रिमूव कर दी गई और आप देखोगे कि फिगर कुछ ऐसी सामने आई। ठीक है, तो ये होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इस टेक्निक को हम इस नाम से भी जानते हैं, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। देन इसके अलावा हमें यू नो सिंगल मटेरियल से जो टेराकोटा होता है, टेराकोटा की मूर्तियाँ भी मिली हैं। टेराकोटा में क्या होता है, देखिए टेराकोटा में मिट्टी जो होती है, चीनी मिट्टी जो होती है, उसको आग की हेल्प से, फायर की हेल्प से उसको बेक किया जाता है, उसको पकाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें स्कल्पचर बनाया जाता है। तो इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ फायर बेक क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर। इसमें क्या होगा, पिंचिंग मेथड यूज़ होता है। पिंचिंग मेथड मतलब हाथ से ही जो कारीगर होता है अपने हाथ से ही पूरा उसको शेप देता है, मिट्टी को शेप देता है, ठीक है, जो मिट्टी होती है उसको शेप दिया जाता है। तो टेराकोटा के फिगर्स हमें गुजरात में मिली हैं, कालीबंगन में मिली हैं, एंड टेराकोटा जो होता है इट इज़ यूज टू मेक टॉयज एंड एनिमल फिगर्स, जैसे कि हमें मदर गॉडेस की जो मूर्ति मिली है दैट इज़ इन टेराकोटा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, देखिए स्पेसिफिक ईयर नहीं है अनुभव इसका, लेकिन 3300 BCE में जब ये फ्लारिश कर रही थी हरप्पन सिविलाइजेशन, तो उस टाइम की है, यानी उस टाइम पे भी जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी, ठीक है, ये जो मेथड था लॉस्ट वैक्स मेथड, ये यूज़ किया जाता था। आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे भी ये मेथड प्रेवलेंट है, आज भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये तो स्कल्पचर की बात हो गई, अब बात करते हैं पोटरी की। अब उस टाइम पे पोटरी का भी आपको पता होना चाहिए, कौन से रंग की थी, ब्लैक पॉलिश थी या फिर रेड एंड ब्लैक थी, किस टाइप की पोटरी थी, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको ये पूछा भी जा सकता है इन केस ऑफ प्रेलिम्स, आपसे पूछा जा सकता है कि रेड एंड ब्लैक जो पोटरी थी हरप्पा टाइम में मिलती थी या मॉडर्न टाइम में, पोस्ट मॉडर्न टाइम में या गुप्ता के टाइम पे, इस तरीके से आपको ऐसे चॉइसेस दी जा सकती हैं। तो आपको यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे दो टाइप की पॉटरी आपको मिलेगी, एक होती है प्लेन पॉटरी। प्लेन पॉटरी में कुछ नहीं होगा आपका, बस जो पॉट होगा, जो मिट्टी का बर्तन होगा सिंपल, वो सादा होगा, उस पर कोई रंग वंग नहीं किया होगा। देन देयर इज़ पेंटेड पोटरी, और पेंटेड पोटरी में याद रखना है हड़प्पा के टाइम पे रेड एंड ब्लैक पोटरी थी। कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए याद रखने का तरीका है, आप हड़प्पा लिखते हैं तो हड़प्पा में आपको दिखता है R, ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको आसानी से याद रहेगा इसमें हड़प्पा में, बिकॉज R आता है, ओके, सो इट इज़ रेड एंड ब्लैक पोटरी, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो रेड एंड ब्लैक पोटरी में करते क्या थे, देखिए सबसे पहले आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बेस पे रेड कलर किया हुआ है, इस पे ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो बेस कलर जो होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कोई घड़ा है, ठीक है, कोई मिट्टी का घड़ा है, इस मिट्टी के घड़े पे पहले बेस जो कलर होगा वो रेड कलर ऐसे कर देंगे, और फिर इस रेड कलर के ऊपर शाइनी ग्लॉसी ब्लैक पेंट लगाया जाएगा, ठीक है। टेल टाइम टू गेट स्टार्टेड अ वीडियो एवरी डे, ओके गोपाल, द टाइम इज गोइंग टू बी प्रॉबेबली 9 or 9:30 फ्रॉम टुमारो, इफ़ आई एम गोइंग टू बी देयर ऑन यूट्यूब दैट इज गोइंग टू बी एट 9:30 or 9:00, ठीक है। टेक्निकल ग्लिच है, वेट अ मिनट, लेट मी चेक अगेन। नहीं, स्पीड तो सही आ रही है, यहाँ मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज़ अपना चेक कीजिए, हो सकता है कि आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम हो। बाकी सबको बफरिंग इशू हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। तो क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि रेड कलर का पहले पेंट किया जाएगा, बेस कलर जो होगा वो रेड होगा,
वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. बेस कलर रेड होगा और उसके ऊपर ग्लॉसी ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाया जाएगा. जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ये देखिए ग्लॉसी ब्लैक पेंट से डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है. एंड फिगर्स बनाई जाएंगी इन द रेड बैकग्राउंड. तो नॉर्मली जो पोर्ट्रेट्स होती हैं देवर व्हील मेड वेयर्स होती हैं, यानी जो हाथों से बनाई जाती हैं. और इनफैक्ट कुछ हाथों से बनाई जाती हैं, कुछ जो व्हील होता है ऐसे करके एक घुमाने वाला व्हील होता है उस पर बनाते हैं ये, ठीक है, उस पर बनाया जाता है. कुछ हाथों से बनाई गई हैं. एंड इसमें थीम्स हुआ करती थी इन पोर्ट्रीज पे. ट्रीज़ बनाए जाते थे, बर्ड्स बनाए जाते थे, एनिमल्स बनाई जाती थी. ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे इस पे. ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है. दिस इज़ अबाउट पोट्री. बाकी अगर प्लेन पोट्री देखोगे, मैंने आपको बताया था ना कि दो टाइप की पोट्रीज हमें देखने को मिलती हैं. एक होती है प्लेन जिसपे कोई पेंटिंग नहीं होगी, और दूसरी थी पेंटेड वाली. तो पेंटेड वाली रेड एंड ब्लैक है और प्लेन आपको ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है. तो प्लेन पोट्रीज हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी, स्टोरेज पर्पसेस के लिए. आपको अनाज स्टोर करना है या चीनी स्टोर करनी है, लाइक दैट, ये स्टोर करने के लिए रखी जाती थी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मिनिएचर वेसल्स आपको दिखेंगे. दे वर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, ठीक है. देन आपको परफोरेटेड पोट्रीज भी मिलेंगी. अब ये परफोरेटेड पोट्रीज किस चीज़ के लिए होती हैं? जैसे मान लीजिए आपने चावल बनाए, तो चावल बनाने के बाद में आप उसका पानी ड्रेन करते हैं, तो ऐसी परफोरेटेड जिसमें छेद होते थे ऐसी पोट्रीज भी यूज़ की जाती थी. ये ड्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी, जिसमें लार्ज होल होते थे इन द बॉटम एंड स्मॉल होल्स अक्रॉस द साइड. ये लिकर को स्ट्रेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता था. तो ये हो गई प्लेन पोट्रीज. खाना पकाने के लिए भी पोट्रीज यूज़ की जाती थी. दिस इज़ ये बर्तन यूज़ किए जाते थे. अब हमने स्कल्पचर पार्ट में, आर्किटेक्चर पार्ट में, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि टाउन प्लानिंग कितनी सिस्टमैटिक वे से की गई थी. स्कल्पचर पार्ट में हमें ये देखना होता है. स्कल्पचर में आपका पोट्रीज आ जाती हैं एंड साथ में आपकी मूर्ति कला आ जाती है जिसमें सेम मटेरियल यूज़ होता है, एंड साथ में आते हैं ऑर्नामेंट्स. अब किस टाइप के ऑर्नामेंट्स उस टाइम पे पहने जाते थे, गहने पहने जाते थे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. बहुत सारे मटेरियल से आपको प्रेशर मेटल से प्रेशर मेटल्स की हेल्प से बनाए जाते थे. जेम स्टोन्स यूज़ किए जाते थे, बोन्स यूज़ की जाती थी, क्ले जो कि बेक्ड क्ले थी वो यूज़ की जाती थी ऑर्नामेंट्स के लिए. इसमें क्या नेकलेसेस बनाए जाते थे, जो बाजुओं पे साइड में आमलेट्स होते हैं उनको हम आमलेट्स बोलते हैं, बाजुओं पे जो पहनते थे. आप मूवीज़ देखते ही होंगे, पुरानी मूवीज़ देखोगे तो जो भी राजा महाराजा होते हैं या जो भी पुराने टाइम के लोग होते हैं अपने बाजुओं पे भी इस तरीके से पहना करते थे, ठीक है. देन फिंगर रिंग्स होंगी एंड दोनों ही पहनते थे, वेमेन एंड मैन दोनों पहनते थे, ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ईयरिंग्स, एंकलेट्स, ये सब पहना जाता था वेमेन के द्वारा. अब इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है हमको? बीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. बीड्स कॉर्निलिन से बनते थे, ठीक है. एंड ये क्वार्ट्ज से बनते थे, स्टीटाइट से बनते थे. ये कुछ पॉपुलर हैं, ये हमने डिस्कवर किए हैं चनहुदारो एंड लोथाल में. देन कॉटन एंड वूल फैब्रिक भी हमें यहाँ पर इसके वो मिलते हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं कि यहाँ पर ये भी यूज़ किए जाते थे. तो बियर्डेड प्रीस्ट की ऐसे एक हमें मिली है मूर्ति. अपार्ट फ्रॉम दैट रेड सैंडस्टोन फिगर भी मिली है ऑफ अ मेल टोर्सो. अब इसी के साथ हमारा हड़प्पन आर्ट कंप्लीट होता है. अब हड़प्पन आर्ट कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या आपको पता है, मतलब अभी नेक्स्ट में करेंगे, अभी आज तो मैंने नहीं डाला आज की स्लाइड्स में, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा प्रोबेबली टुमारो दैट विल बी देयर 9:30 होगा, ठीक है. आई ट्राई टू टेक द सेशन एट 9:30 टुमारो, तो मोस्ट प्रोबेबली 9:30 ही होगा, ठीक है. बिकॉज लाइक आई नीड सम टाइम, आई हैव टू गो आउट, उसके बाद आई बी लेट. तो 9:30 हम शुरू करेंगे एंड उसमें हम क्या करेंगे, हड़प्पा हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. हड़प्पन आर्ट कंप्लीट कर लिया, तो हड़प्पन आर्ट से रिलेटेड जो भी MCQs होंगे, पॉसिबल MCQs, वो हम शुरुआत में डिस्कस करेंगे. तो आई वुड वॉन्ट कि आप लोग कल 9:30 एक्टिव रहना, ट्राई कर लेना 9:00 या फिर 9:30 पे,
ठीक है, दोनों टाइम कभी भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, अभी तक आई हैवंट प्लान्ड, बट डेफिनेटली देर इज़ गोइंग टू बी अ क्लास टुमारो, आई मीन आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, तो अब जैसे हरप्पन आर्ट एंड कल्चर हमने कवर किया है, ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी मॉडर्न आर्ट की. तो अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं, लेट मी शो यू. हमने एंशियंट इंडिया कैसे कवर करना है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से कंप्लीट कर रहे हैं हम. हरप्पन आर्ट हम कवर कर चुके हैं, अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न आर्ट, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न इसी में मर्ज करके वी विल कवर, एंड ये ख़त्म होगा तो उसके बाद गुप्ता आर्ट स्टार्ट होगी. देन इसके अलावा अगर हमारे पास आज टाइम बचा तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं थोड़ा सा टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ बताऊंगी, मतलब कुछ ऐसी ना टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं आर्ट एंड कल्चर में, हमको देखने में लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, बट वो मुश्किल नहीं होती, बहुत आसान होती हैं. ठीक है, बस थोड़ा सा रिविजन करने की ज़रूरत है, उसको अपने दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है. बार बार अगर मैं आपसे पूछूंगी, मान लीजिए कि अगर मैं यूट्यूब सेशन ले रही हूँ और मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, ठीक है, कि अच्छा आप बताइए कि इसमें क्या है, अगर मैं पूछूंगी आपसे तो आपको दिमाग में रहेगा. तो ऐसा कोशिश कीजिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो उनसे भी यू नो आप पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से आपस में. आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करने का तरीका देखिए यही है. ठीक है, एक बार में आप पढ़ोगे आई एम श्योर कि आपको आधी चीज़ें याद रहेंगी, बट व्हेन यू कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन आंसर करते हैं, या आपका फ्रेंड से आप बोलिए कि वो आपसे पूछे यू नो ऑन अ टाइमली बेसिस, वीकली बेसिस पे, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी. आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेकिन इसको हल्का सा एनालिटिकल बना करके रिविजन के साथ में तैयार करोगे तो आसानी से कवर हो जाएगा. शुभम गुप्ता, हम लोग हरप्पन सिविलाइजेशन कवर कर चुके हैं, हरप्पन आर्ट हमारा कम हो चुका है. ठीक है, अभी हम मॉडर्न आर्ट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो मॉडर्न आर्ट में डिवीजन दो टाइप का होता है. देखिए, दो टाइप का डिवीजन है. पहला डिवीजन है कोर्ट आर्ट एंड दूसरा है पॉपुलर आर्ट. ठीक है, तो जब भी मैं कोर्ट आर्ट की बात करती हूँ, कोर्ट आर्ट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होगी उस टाइम पे वो इनिशिएट करेगी. ठीक है, वो इनिशिएट करेगी. तो गवर्नमेंट उस टाइम पे जो मॉडर्न आर्ट को दो क्लासिफिकेशन है, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट. पॉपुलर आर्ट है इंडिविजुअली जो लोग खुद मतलब इनिशिएट करेंगे. ठीक है, वो गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं करेगी इसमें. तो कोर्ट आर्ट में आपको देखने को मिलेगा पैलेसेस बनाए गए उस टाइम पे, पिलर्स बनाए गए हैं उस टाइम पे, एंड स्तूपास बनाए गए हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे भी आपको पता है कि मॉडर्न टाइम में हम मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं, तो इट वाज अशोका. अशोका ने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था. क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था, इसी के चलते हमको स्तूपास बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कवर करना. तो उन्होंने स्तूपास फॉर्मेशन भी किया था जब बुद्धा की डेथ हुई थी, तो उसके बाद जो रिलिक्स होते हैं उनको यू नो उनके बेसिस पे 9 स्तूपास ऐसे बनाए गए थे. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. हालांकि स्तूपास बहुत सारे हैं, ओवर द पीरियड फिर और भी ज़्यादा बनाए जाएंगे, तो स्तूपास के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ क्वेश्चन पूछा कीजिए आर्ट एंड कल्चर से, तो आप मुझे बताएंगे कि विहारास क्या होते हैं एंड चैत्यास क्या होते हैं. जिन लोगों ने कवर कर लिया है ये सब चीज़ें उनको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था आपसे, शायद 2013 में पूछा गया था या 14 में पूछा गया था, बट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, विहारास एंड चैत्यास में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में. आई एम वेटिंग फॉर दैट. हाँ देखिए अमित, इट्स करेक्ट एक्चुअली, यू आर राइट अबाउट दिस. समटाइम्स व्हेन वी रीड इट फ्रॉम द बुक ना, तो हमको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है. आई मीन आई गेट दैट, इवन आई हैव माई सेल्फ रेड इट दैट वे. लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से भी समझें, लेकिन अपनी रीडिंग की हैबिट को प्लीज़ गिव अप मत कीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द हिंदू न्यूज़पेपर. प्लीज़ उसको पढ़िए, बिकॉज जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग में यू नीड अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, और टर्मिनोलॉजीज तब आएंगी जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, एंड वैसे भी इट हेल्प्स यू अ लॉट. हाय सत्यम, चैत्या इज पूजा स्थल, वेरी गुड. रिया,
हाँ प्रेयर हॉल्स बोलते हैं उसको, चैत्यास हैं जहाँ पर प्रेयर्स की जाती थी, एंड विहारास जहाँ पर रेजिडेंस था, मॉन्क्स जो थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे जैन मॉन्क्स होंगे उनका रेजिडेंस होगा. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड अमित. मोनेस्ट्री फॉर बुद्धिस्ट रिनाउंसिएट्स, विहारा इज अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट कैन ऑफर पेपर. नो आई मीन यू आर गोइंग, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेयर, बट प्रेयर नहीं है. विहारास में सिर्फ वो रहते थे, चैत्यास में यू नो इनकी प्रेयर्स थी. तो चैत्यास की जब मैं आपको फोटो दिखाऊंगी ना, तो चैत्यास में आपको ऐसे दिखेगा कि ऐसे पूरी हॉल होता है और बीच में ऐसे स्तूपा बना होगा, यहाँ पर ऐसे प्रेयर्स होंगी. ठीक है, यस करेक्ट परविंदर, ओके भिक्षुक रहते थे. वेरी गुड नितेश, करेक्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले कोर्ट इनिशिएटिव कवर करेंगे. कोर्ट ने क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किए, मतलब क्या क्या उस टाइम पे आर्किटेक्चर हुआ है. तो हम कैसे कवर करते हैं, सबसे पहले हम आर्किटेक्चर कवर करते हैं. मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेट हमारा हर पीरियड में स्टार्ट होगा. पहले आर्किटेक्चर कवर करेंगे, फिर उसका स्कल्पचर कवर करेंगे. तो आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं. तो बड़ी बड़ी चीज़ों से आपको यू नो ये चीज़ याद रहेगी दैट आर्किटेक्चर में आएगा पैलेसेस, भवन जो बनाए जाएंगे, महल जो बनाए जाएंगे, दैट विल बी द पैलेसेस. पिलर्स बनाए जाएंगे, स्तंभ बोलते हैं इसको हिंदी में, एंड स्तूपास बनाए जाएंगे. ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसमें इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए होते हैं. तो ऑब्वियसली दैट विल कम अंडर द आर्किटेक्चर. ओके, सो कोर्ट आर्ट में क्या था, जो मौर्यन रूलर्स हुआ करते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, देन देयर इज अशोका, बिंदुसार, इन सभी रूलर्स ने ऑथराइज किया बहुत सारे आर्किटेक्चरल वर्क्स को. ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्यों में इन्होंने यू नो इनिशिएट किया. पॉलिटिकल पर्पसेस से भी बनाए जाते थे, एज वेल एज रिलीजियस रीजंस के पर्पस से भी बनाया जाता था कोर्ट आर्ट. ठीक है, पॉलिटिकल पर्पस ये भी होता है. देखिए, जब आप फोर्ट बनाते हैं, ठीक है, आप फोर्ट बनाते हैं, तो फोर्ट इज़ द रिप्रेजेंटेशन. फोर्ट में क्या होता है, फोर्ट ये दर्शाता है सामने वाले को कि आपका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है आपकी. ठीक है, यू आर स्ट्रांग इनफ. फोर्ट डेवलपमेंट इसीलिए किया जाता है. ये आपके डिफेंस सिस्टम को भी रिफ्लेक्ट करता है. डिफेंस हो गया या आपकी नॉर्मल स्ट्रेंथ हो गई, उसको रिफ्लेक्ट करता है. तो पॉलिटिकल पर्पसेस से भी बनाए जाते थे एंड रिलीजियस रीजंस की वजह से भी बनाए जाते थे. जैसे स्तूपास हो गए, स्तूपास बनाए जाते थे रिलीजियस पर्पसेस की वजह से. ठीक है, तो कोर्ट आर्ट यानी जो मौर्यन रूलर्स ने इनिशिएट किया कि ये चीज़ें बनाई जानी चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी. जैसे इरिगेशन के लिए कुछ बनाया जाएगा, रोड्स बनाई जाएंगी. इनफैक्ट यू नो अशोका के रूल में ऐसा भी था, टाइम पे जो रोड्स बनाई गई थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि रोड्स के दोनों साइड पे पेड़ हुआ करते थे. ठीक है, ताकि जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि उनकी छाया रहती थी रोड पे एंड दे कैन ईजिली ट्रैवल, उनको प्रॉब्लम ना हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, हर थोड़ी दूरी पे ऐसे जो माइलस्टोन होता है ना, माइलस्टोन लगाए जाते थे ताकि उनको पता चले कि हाउ मच फार दे हैव ट्रैवल्ड, उनकी यू नो लाइक हेल्प करने के लिए ये सब दिया जाता था. ठीक है, PCS देने के लिए क्या द हिंदू पढ़ना चाहिए? यस, द हिंदू आपको पढ़ना चाहिए. दोनों ही केस में द हिंदू एक पेपर पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. इट्स नॉट बिंबिसार, इट इज़ बिंदुसार. ठीक है, बिंबिसार इज नॉट दैट. यस, ओके. सो कोर्ट आर्ट में सबसे पहले आता है पैलेसेस. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मौर्यन एम्पायर सबसे पहला ऐसा पावरफुल एम्पायर था जो कि पावर में आया था. ठीक है, भारत की सत्ता पर जिसने अपना यू नो अपना पावर, अपनी अपना शक्तिशाली साम्राज्य पूरा अपना इस्टेब्लिश किया था. मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, और जो पैलेसेस बनाए गए पाटलिपुत्र पे भी बनाए गए हैं एंड कुमारहर में भी बनाए गए हैं. नाउ दिस प्लेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कुमारहर, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कुमारहर में बहुत सारे ऐसे महल थे जिनका क्रिएशन किया गया, जिनको बनाया गया जस्ट टू रिफ्लेक्ट द ग्रैंडियर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर.
मतलब कि वही है कि आप अपनी दिखाना चाहते हो, यू नो हाउ मच ग्रैंड दिस एम्पायर इज. तो ऐसे पैलेसेस बनाए जाते थे. अगर आप चंद्रगुप्ता के पैलेस की बात करेंगे, देखिए वैसे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि एंशंट हिस्ट्री में अकाउंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे, ऐसे बहुत सारे यू नो अकाउंट्स आपको मिलेंगे, जैसे मेगास्थनीज हो गए, यू नो ग्रीक भी थे, ऐसे बहुत सारे जो कि क्या करेंगे, इंडिया के बारे में बात करेंगे. जो भी चीज़ें इंडिया में उस टाइम पे थी उन वो सब अपनी यू नो उनके अकाउंट्स में हमने हमें देखने को मिलता है. ऐसे ही चाइनीज़ ट्रैवलर्स भी बहुत थे जो इंडिया में आए थे, जैसे फाहिन हो गए एंड देर आर अदर्स ऑल्सो. ये सभी एंशंट हिस्ट्री का पार्ट है. तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि आर्ट एंड कल्चर अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा आप कनेक्टिविटी में एंशंट हिस्ट्री को रखें. ठीक है, कनेक्टिविटी में एंशंट हिस्ट्री को अच्छे से कहानी के फॉर्मेट में तो समझना ही है, लेकिन थोड़ा सा एनालिटिकल वे में भी याद करेंगे. हमें कोशिश करनी है कि चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा एनालाइज करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एनालाइज करके पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 1 में अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में आपके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो सब इंपॉर्टेंट आइडियाज़ जो आपको मेंशन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपका पेपर चेक करते हैं वो उन कीवर्ड्स को तलाशते हैं, उन कीवर्ड्स को ढूंढते हैं जो कि कीवर्ड्स उस आंसर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर वो आपने कीवर्ड, वो की आइडिया आपने अपने आंसर में दिया हुआ है, एक की आइडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मल्टीपल की आइडियाज़ होते हैं, वो सभी मेंशन है तो उनके पास ऐसे लिखा होता है कि अगर आपने ये मेंशन किया है तो गिव द स्टूडेंट 1 मार्क्स, ये मेंशन किया गया है तो गिव देम यू नो 2 मार्क्स और लाइक दैट. तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा एनालिटिकली, मतलब एक यू नो टॉपिक को यू नो एक कोई भी टॉपिक है मान लीजिए, उसको सब टॉपिक्स में तो हम लोग डिवाइड करते ही हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, वो अगर आपके आंसर में होंगी तभी आप हाई स्कोर कर पाएंगे. ये भी रीज़न है कि जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 1 में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत लो आते हैं. 100 से ऊपर बहुत रेयर होता है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 100 से ऊपर, या मतलब 110 115 तो बहुत मुश्किल हैं बिकॉज ऑफ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर. हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ऐसा नहीं है, सभी चीज़ों पर आप पूरा पूरा ध्यान दीजिए. ठीक है, ओके. सो वी वर टॉकिंग अबाउट पैलेसेज ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य. तो मेगास्थनीस के अकाउंट में हमें देखने को मिलता है, मेगास्थनीस ने डिस्क्राइब किया था कि दैट वॉज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, जो पैलेस चंद्रगुप्ता मौर्य के लिए बनाया गया था. एंड दैट वॉज इंस्पायर्ड बाई आर्किमिनिड पैलेसेस एट पर्सेपोलिस इन ईरान. उससे काफ़ी ज़्यादा ये यू नो अक्मिनी जो महल थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था. ठीक है, जो इन्होंने महल बनाया था. दूसरी खास बात ये थी इन महलों के बारे में, दैट वुड से बने हुए थे. जो बिल्डिंग मटेरियल था, यानी महल बने हैं लेकिन वुड से बने हैं. आई एम नॉट श्योर कि आपने कलर्स पे एक यू नो कलर्स टीवी पे एक शो आता था अशोका का, ठीक है, एंड चक्रवर्ती सम्राट अशोका, समथिंग लाइक दैट. तो उसमें क्या होता था कि देर वॉज़ वन इंसिडेंट विच आई रिमेंबर, कि उस महल में थोड़ा सा मतलब आग लगी थी और वो पूरा महल जल गया था. तो उससे ये चीज़ आपको आसानी से याद रहेगी, दैट वुड से बने होते थे. ठीक है ना, वुड वॉज़ द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटीरियल, क्योंकि वुड से बने होंगे, अगर कोई भी आग लगती है तो बहुत जल्दी लग जाएगी फिर उस टाइम पर. ठीक है, देन अशोका का जो पैलेस था कुमार हर में, अगर वो देखोगे तो वहाँ पर एक हाई सेंट्रल पिलर था एंड इट वॉज अ 3-story वुडन स्ट्रक्चर. महल उस टाइम पे वुडन ही थे, ये याद रखना है, स्टोन से नहीं बने हुए थे, वुड से बनाए जाते थे. ये जो पैलेस वॉल्स होंगी, इस जो वॉल्स होती थी, ऐसा जो लकड़ी से बना हुआ होता था, इनकी जो वॉल्स होती थी ये डेकोरेटेड होती थी, इस पर कार्विंग्स होती थी, स्कल्पचर्स होते थे. स्कल्पचर्स यानी मूर्तिकला होती थी, इस पर मूर्तियाँ बनी होती थी. ठीक है, तो मूर्तिकला होती थी यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मॉडर्न आर्ट की है, दैट इज़ कि लकड़ी से इसका पूरा स्ट्रक्चर बना होता था.
अब दूसरी चीज आती है पिलर्स. पहली क्या चीज थी? पैलेसेस, देन पिलर्स, देन स्तूपास. अब बात करते हैं पिलर्स की. पैलेसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो पैलेसेस में क्या होगा? अशोकन पीरियड के, सॉरी, पिलर्स में क्या होगा? अशोकन पीरियड के टाइम पे आप इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगी. ये जो पिलर्स बनाए जाते थे, इन पिलर्स पे इंस्क्राइब किया जाता था, बहुत कुछ लिखा जाता था. ठीक है, इंस्क्राइब किया जाता था इस पे. तो ये जो पिलर्स बनाए जाते थे, सबसे पहले इन पिलर्स का सिग्निफिकेंस क्या था, किस लिए बनाए जाते थे? दीज पिलर्स आर द सिंबल ऑफ द स्टेट. ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि आप कोई भी बैटल आप जीते हैं, तो उस बैटल के चलते अगर आप जीते हैं बैटल, तो उसके ऑनर में एक पिलर बनाया जाएगा. ठीक है, तो ये पिलर्स के सिंबल ये थे. दे आर द सिंबल ऑफ द स्टेट, दे आर टू ऑनर द बैटल विक्ट्रीज, एंड साथ ही साथ जो भी इम्पीरियल सरमन्स होते थे, ठीक है, वो यहाँ पर उनका प्रचार किया जाता था. इम्पीरियल सरमन यानी शाही उपदेश. अब मान लीजिए अशोका पावर में है, ठीक है, अब अशोका ने बुद्धिज़्म एम्ब्रेस किया है. बुद्धिज़्म एम्ब्रेस करने के बाद में जो भी अशोका की टीचिंग्स थी, जो भी यू नो धम्मा था उनका, ही बिलीव्ड इन धम्मा, तो धम्मा की जो भी टीचिंग्स वो फॉलो करते थे, उन टीचिंग्स को इंस्क्राइब किया गया था कि एक अच्छे राजा को क्या करना चाहिए या प्रजा को क्या करना चाहिए. यू नो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए. दीज थिंग्स वर पार्ट ऑफ दीज सरमन्स. ठीक है, देन सारनाथ पिलर ऐसे ही आपको मिलेगा. एक एग्जांपल है इसका, सारनाथ पिलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द सारनाथ पिलर वाराणसी में. ये यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से पिलर था. अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि स्टेट एम्बलम भी यही है. ठीक है, तो स्टेट एम्बलम के पर्सपेक्टिव से प्लीज़ ट्राई टू कवर दैट अप ऑल्सो, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है. और इनफैक्ट ये जो स्टेट एम्बलम है, ये आपका इंडिया ईयरबुक में काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया जाता है. ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको कोई सोर्स ना मिले इसको कवर करने का, तो इंडिया ईयरबुक से कवर कर सकते हैं, या फिर आप एंशियंट हिस्ट्री में इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो पिलर्स आप देखेंगे, पिलर्स कैसे हुआ करते थे? एवरेज हाइट जो हुआ करती थी पिलर्स की, वो 40 फीट हुआ करती थी. और पिलर्स बनाए जाते थे चुनार सैंडस्टोन से, यानी चुनार का जो पत्थर हुआ करता था उससे बनाई जाती थी. और उसके चार पार्ट किए जाते थे. चार पार्ट कैसे होते थे? एक तो बेस होता था उसका, ठीक है, देन उसके बेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कैपिटल, एंड कैपिटल के ऊपर आपको अबैकस देखने को मिलेगा. अबैकस के ऊपर एनिमल फिगर रखी होगी. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द पिलर शाफ्ट. चार पार्ट हैं इसके, आप देख सकते हैं. दिस इज द पिलर शाफ्ट. ठीक है, ये शाफ्ट होगा, ये पूरा आपका बेस की तरह काम करेगा. ठीक है, उसके ऊपर अबैकस रखा होगा, एंड फिर फर्दर आपका यू नो उसके ऊपर एनिमल होगा. ठीक है, तो बेस कैसे होगा? बेस में क्या क्या होगा? देखिए, बेस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग शाफ्ट. बेस होता है पूरा शाफ्ट, यानी पूरा ऐसे जो स्तंभ होता है ना, ऐसे लंबा सा जो होता है, दैट इज द, इसको हम तल बोलते हैं या फिर बेस बोलते हैं. दैट इज अ लॉन्ग शाफ्ट. इट इज़ मेड अप ऑफ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर. मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मोनोलिथ का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है एक सिंगल. मोनो का मतलब होता है सिंगल. सो सिंगल पीस ऑफ स्टोन से ये पूरा बना हुआ था. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि एक ही मटीरियल से बना हुआ है. दिस इज द बेस. तो ये जो पिलर शाफ्ट है, दिस वन इज द बेस. बेस कैसा होगा? मोनोलिथ होगा. ठीक है, देन इस बेस के ऊपर यू विल फाइंड द होल कैपिटल, विच वॉज लोटस शेप्ड और बेल शेप्ड. अब इसको हम पूरे को बोलते हैं कैपिटल. ये तो है आपका बेस, पिलर शाफ्ट हो गया बेस. एंड यहाँ से लेकर के, ये लोटस से लेकर के, ये जो पूरा एनिमल तक आपको पूरा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल. इसको कैपिटल बोला जाता है. अब कैपिटल में आपको देखने को मिलेगा दिस बेल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस. एज यू कैन सी, बेल शेप भी बोल सकते हैं या इन्वर्टेड लोटस बोल सकते हैं. लोटस के जैसा ही है, कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो इसी तरीके की होती हैं. ऐसे होता है लोटस आपका.
लेकिन ये जो लोटस आपका यहाँ पर है दिस इज़ गोइंग टू बी इन्वर्टेड, ठीक है, इसको पूरा उल्टा कर दो तो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। बफर हो रहा है, बाकी किसी को भी ऐसा लग रहा है क्या बफर हो रहा है ये? प्लीज़ टेल मी अगर बफर हो रहा है तो। इज इट बफरिंग? अनिकेत कुमार हर पूछ रहे हैं ना आप? कुमार हर इज इन बिहार टुडे, पटना। इट्स बफरिंग समटाइम्स। ओके आई एम रियली सॉरी व्हाई दिस इज हैपनिंग। इट्स नॉट बफरिंग गोपाल, इट इज बफरिंग। ओके नो इट इज नॉट, फॉर सम स्टूडेंट्स उन लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही है, बट इफ इट इज गोइंग स्मूथली देन आई विल फर्दर कंप्लीटेड। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना हमारा कवर हो पाए बिकॉज 13 मिनट्स आर लेफ्ट, विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल। ओके सो मैंने आपको बताया कि बेस होगा, ठीक है, बेस होगा आपका पिलर शाफ्ट एंड उसके ऊपर होगा आपका पूरा कैपिटल। और कैपिटल में क्या क्या आता है? कैपिटल में आएगा आपका लोटस शेप या फिर बेल शेप बोल सकते हैं, वो होता है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बेल शेप्ड होता है दैट इज़ दी हाईली पॉलिश्ड लस्टरस फिनिश का होता है ये पूरा, ये पिलर के ऊपर होता है। एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाई, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई ईरानियन पिलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड था। आर्किमिडीन से इंस्पायर्ड था, चाइनीज से इंस्पायर्ड था, या फिर यू नो इंडिजीनियस था, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, या ग्रीक इस तरीके से पूछा जाता है। तो याद रखना है कि ये ईरानियन पिलर से इंस्पायर्ड था, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़, ठीक है। एंड इसके ऊपर आपको दिखेगा अबेकस। अबेकस जो होता है वो होता है सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर बेस का, दिस इज़ दी अबेकस। ये आपका अबेकस हो गया, उसके ऊपर होगा एनिमल, ठीक है, उसके ऊपर एनिमल फिगर प्लेस होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके वेट अ मिनट, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सो पिलर शाफ्ट इज द बेस, यहां से पूरा पिलर शाफ्ट के ऊपर ये पूरा हो गया आपका कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या पार्ट है इसका? जो ये बनेगा ये इन्वर्टेड लोटस होगा, ईरानियन उस पिलर से इंस्पायर्ड है, इसके ऊपर होगा एबेकस, दिस इज द एबेकस, एंड देन ऑन द टॉप ऑफ इट देयर विल बी एन एनिमल, ठीक है। वेल अभिनव, अगर मेरा फेस भी फ्रीज हो रहा है इट डजंट मैटर, आपको यहाँ पर दिखना चाहिए, साफ आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा मैटर करता है। मैटर ये करता है कि आपको टॉपिक जो मैं बता रही हूँ वो साफ से सुनाई दे रहा है, और आपको स्क्रीन जो ये PPT दिख रही है सामने, ये साफ से दिख रही है, बस दिस इज़ व्हाट आई वांट। बाकी फेस अगर फ्रीज हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्योंकि हम आर्किमिडियन पिलर्स के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंस देखना ज़रूरी है कि ऐसा क्या डिफरेंस था इसमें। अगर आप अशोकन पिलर्स में देखेंगे तो शाफ्ट जो था ये मोनोलिथिक होता है, ठीक है, मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से बनता है, एंड इसमें चुनार स्टैंड स्टोन यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है आपको, अशोकन में चुनार होगा सैंड स्टोन यूज़, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंटली इरेक्ट किए जाते थे, ठीक है, इनको इंडिपेंडेंटली पूरा बनाया जाता था, उसके बाद इनको इंस्टॉल किया जाता था। ऐसा नहीं था कि साथ में बिल्डिंग के साथ में ही अटैच करके यू नो इसको बनाया जाएगा, ऐसा नहीं था। आर्किमिडियन पिलर्स में अगर आप देखोगे तो जो शाफ्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंडस्टोन सीमेंट साथ में किए जाएंगे, बनाए जाएंगे,
आकेमेनियन पिलर ऐसे बनता है. एंड जनरली दे आर अटैच टू दी स्टेट बिल्डिंग्स. लेकिन अशोकन पिलर्स इंडिपेंडेंटली किए जाते थे, जैसे कि आपको कुतुब मीनार में भी पिलर्स ऐसे दिखेंगे. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए. ये जो फैक्चुअल पार्ट है, फैक्चुअल डेटा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट इज अबेकस. जो अबेकस है एंड द एनिमल पार्ट ऑफ द सारनाथ पिलर. अबेकस के साथ में हम बेल शेप्ड की बात नहीं कर रहे, अबेकस के ऊपर के एनिमल एंड अबेकस की बात कर रहे हैं. दैट फॉर्म्स द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. इन अबेकस ऑफ द सारनाथ पिलर चार एनिमल्स हैं दैट आर शोन. देयर इज अ गैलपिंग हॉर्स, अ बुल, एन एलिफेंट एंड अ लायन. अच्छा, अब कभी कभार ये आपसे पूछ लिया जाएगा, इन फ्यूचर पूछे जा सकता है इन प्रीलिम्स, या फिर आपसे हो सकता है कि आपसे पूरा ऐसे पूछा जाए कि सारनाथ का जो पिलर है, ठीक है, या जो सारनाथ का पूरा पिलर, आप नॉट द स्टेट एम्बलम, आप पूरा सारनाथ का पिलर डिस्क्राइब कीजिए फॉर 10 मार्क्स, आपसे पूछा जा सकता है. तो इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि जो पिलर्स हुआ करते थे अशोकन पिलर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पहली चीज़ तो ये है कि ये मोनोलिथ होंगे, इंडिपेंडेंटली इरेक्ट किए जाते हैं, एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या लिखा जा सकता है कि इसमें जो सारनाथ का पिलर है, इसका जो अबेकस से और जो एनिमल पार्ट है, दैट इज़ यू नो दैट फॉर्म्स द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. नेशनल एम्बलम लिख सकते हैं. तो 3 मार्क्स तो आपके यहीं हो गए थोड़ा सा ये बताने के. अब उसके बाद पूरा पिलर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं शाफ्ट के साथ में कि मोनो यू नो किस तरीके से बना हुआ है, बेल शेप था जो कि इंस्पायर्ड था ईरानियन पिलर से, ये आप थोड़ा बता सकते हैं. इसके अलावा यू कैन टेल कि पूरा ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ भी करके एक रफ फिगर से ड्रॉ कर दोगे तो फॉर दैट ऑल्सो यू विल गेट 1 मार्क्स. बस उसको लेबल कर देना. ठीक है, तो सारनाथ पिलर के बारे में आप ये बता सकते हो कि इसमें देर आर स्पेशली जो नेशनल एम्बलम में इंक्लूडेड है, देर आर 4 एनिमल्स इन दैट. अच्छा, जब आपको अगर प्री में पूछा गया तो डायरेक्टली आपको चॉइसेस दी जाएंगी, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको मेंस में पूछा गया है और आपको पूरा ऐसे बताना है तो आप कैसे बताएंगे? शॉर्टकट आप याद रख लीजिए इसका. शॉर्टकट है इसका भेल, दैट इज़ BHEL. BHEL इज़ अ कंपनी, एक नवरत्न कंपनी है, यू नो PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. बस वो याद रखेंगे, ऐसे याद रख लो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ये सजेस्ट किया था कि नेशनल एम्बलम हमारा सारनाथ पिलर वाला अबेकस के ऊपर का होना चाहिए. और क्योंकि उन्होंने किया था तो उसी उनके जो नेम के अकॉर्डिंग, जो इसमें यू नो जो एक्रोनिम्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सभी एनिमल्स को इसमें डाला गया है. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज हॉर्स. एज यू कैन सी बी फॉर बुल इज देयर, एच फॉर हॉर्स, गैलपिंग हॉर्स. नाउ अब आपको हॉर्स नहीं लिखना है वहां पर, गैलपिंग हॉर्स लिखना है. ठीक है, दैट इज द सिग्निफिकेंस. नॉर्मल हॉर्स नहीं है, गैलपिंग हॉर्स है. ठीक है, गैलपिंग हॉर्स का क्या मतलब होता है? एक दौड़ता हुआ घोड़ा. ठीक है, रनिंग हॉर्स दैट मीन्स गैलपिंग लिखेंगे आप इसको, गैलपिंग हॉर्स है. ठीक है, देन देयर इज अ बुल, then there's an elephant that is part of it and a lion. ठीक है, and apart from that it was built as a reminder of the first sermon. ये जो बुद्धा ने अपना first sermon दिया था उसके reminder के तौर पर इसको रखा गया है. ठीक है, and धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं हम इसको, इसको you know धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है. That is the सारनाथ pillar. अब हम स्तूपास की बात कर रहे थे. स्तूपास से रिलेटेड एक फैक्चुअल डेटा ये है कि 9 स्तूपास ऐसे बनाए गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा. अब ये जो सभी 9 स्तूपास है ये कहाँ कहाँ पर है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो उन सभी साइट्स में है, वहाँ पर तो हमें देखने को मिलेगा ही जहाँ जहाँ पर बुद्धा ने ट्रैवल किया है. कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि देयर वॉज अ क्वेश्चन इन 2015 डायरेक्टली उसमें पूछा गया था कि बुद्धा ने इनमें से कौन से प्लेसेस विजिट किए हैं. तो थोड़ा सा यू नो इससे रिलेट कर सकते हैं आप. एक सबसे पहले हो गया राजगृह, देन वैशाली, देन कपिलावस्तु. ठीक है, देन देयर इज अलकापा, रामग्रामा, देन वेथापीडा, पावा,
कुशीनगर एंड पीपलीवाना, ठीक है, ये सभी नौ स्तूपाज की जगह हैं जहाँ पर ये पूरे बनाए गए थे, ठीक है, ओके. देन हमने दो चीज़ें बात कर ली. अभी कोर्ट आर्ट में हमने देखा अभी तक पैलेसेस एंड पिलर्स. अब आता है नेक्स्ट हमारा स्तूपास. उसके बाद हमारा जो कोर्ट आर्ट का सेक्शन है मौर्यन आर्ट में वो कवर हो जाएगा. तो स्तूपास में क्या है, स्तूपास वर द बरियल माउंड्स इन विच, मतलब ऐसा समाधि होती है, ठीक है, समाधि का ऐसा बरियल टिला होता है. माउंड इज द टिला, ठीक है, एक ऐसा इस टाइप का टिला होता है जिसमें जो रेलिक्स होंगी, यानी रेलिक्स क्या होता है, रेलिक्स होती हैं अस्थियाँ, ठीक है, इनके मरने के बाद में जो इनकी अस्थि थी, जो एशेस थी, जो डेड की एशेस होती हैं वो रखी जाती हैं. तो स्तूपास वर दोस, ठीक है, स्तूपास क्या होते हैं इसको एज इट इज़ याद रखेंगे. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट स्तूपा एंड ऑल, तो सबसे पहले चीज़ें आपको बतानी हैं. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू टेल इन योर इंट्रोडक्शन इज व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्तूपा. सो यू हैव टू टेल, आपको ये याद रहना चाहिए, बरियल माउंड्स इन विच रेलिक्स एंड एशेज ऑफ द डेड वर केप्ट. स्तूपा का जो कोर होता है, कोर वॉज मेड अप ऑफ अनबर्नट ब्रिक. अनबर्नट, एक होती है बर्नट ब्रिक जिसको पकाया जाता है आग से, ठीक है, दैट इज द बर्नट ब्रिक. एक होती है अनबर्नट, अनबर्नट मतलब कच्ची ईंटें जो होती हैं, अजली ईंटें जो होती हैं, ठीक है, वो इसमें यूज की गई कोर में. आई एम टॉकिंग अबाउट कोर. एक होता है, देखो ये स्तूपा है, अब स्तूपा का जो ऊपरी परत होती है दैट इज द आउटर सरफेस. आउटर सरफेस पे तो बर्नट ब्रिक्स लगाई हुई हैं. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बाहर वाला जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है वो मजबूत बनाना है, इसी की वजह से आप क्या करोगे, उस पर एकदम हाई क्वालिटी की ईंटें आप यूज़ करोगे. लेकिन जो कोर पार्ट है, कोर पार्ट में आप अनबर्नट ब्रिक यूज़ कर सकते हो, अनबर्नट ब्रिक यूज़ कर सकते हो. देन फर्दर इट विल बी देन कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर. उसके ऊपर पूरा प्लास्टर लगाया गया, ऐसे पूरा ये बनाया गया है. ऑल्दो आपको एक और चीज़, हालांकि ये पता होगा कि जो वैदिक परंपरा के अनुसार स्तूपास वैसे तो पहले भी एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन स्तूपास देवर पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट. वैसे भी एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं. अगर आप हिंदू ट्रेडिशन देखोगे और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देखोगे तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, डिफरेंसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा एज इट इज़ सेम है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी हैं. जैसे कि हिंदुइज़्म में कर्मा में विश्वास किया जाता है, ठीक है, सिमिलर इज़ विद बुद्धिस्ट. हिंदू में जो राजा होता है, दे बिलीव इन दिस मोनार्की, जो राजा होगा, एंड इसमें ब्राह्मण्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज की नेक्सस होती है यहाँ पर, ठीक है. लेकिन बुद्धिज़्म में क्या होता है, बुद्धिज़्म में जो राजा होता है मोनार्क नहीं होता, हेरिडिटरी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसका बेटा ही आगे जा कर के राजा बनेगा. बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं होता. बुद्धिज़्म में क्या होता है, बुद्धिज़्म में राजा रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक हेड होता है, यानी इनको इलेक्ट किया जाता है. ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो इनको इलेक्ट किया जाता है. एंड सिमिलरली अगर देखोगे आप, यहाँ पर किन का नेक्सस है, बुद्धिस्ट में, बुद्धिस्ट में होता है यहाँ पर वैश्यास एंड जो राजा होता है, ठीक है, जो क्षत्रियाज होते हैं और जो वैश्याज होते हैं, ठीक है, वैश्याज आर दी मर्चेंट, इनका नेक्सस होता है, ठीक है. लेकिन दैट्स नॉट द केस विद द हिंदू कल्चर. तो हिंदुइज़्म और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में सिमिलैरिटीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डिफरेंसेस पता होने चाहिए. एक्चुअली में दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बुद्धिज़्म को बोला जाता है दैट बुद्धिज़्म इज़ द रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा बोला जाता है, दैट इट इज द रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म. अंडरस्टूड?
ओके, व्हाट आर तोरांस? क्षितिज, तोरांस होते हैं गेटवेज. ये तोरांस आपको दिख रहा है, तोरांस होते हैं गेटवेज. लेट मी शो यू. ये देखिए, ये पूरा आपका स्तूपा है, ठीक है, एंड दिस इज तोरांस. यहाँ से ये ऐसे गेटवेज होंगे जहाँ से आप एंटर करेंगे. और मेढ़ी होती है, दिस इज मेढ़ी, ठीक है. मेढ़ी ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, थोड़ा सा अपरेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, इसमें आप चढ़ करके यहाँ पर ऐसे पूरा प्रदक्षिणा कर सकते हो आप, ठीक है. प्रदक्षिणा इस चारों ओर इसके तरफ घूम सकते हो. तो ये तोरान है, चार तोरांस होते हैं. एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, चार तोरांस है. तोरांस क्या होता है? तोरांस होते हैं गेटवेज. तो ये जो गेटवेज होते हैं, इस पे यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, ठीक है. स्कल्पचर यानी छोटी छोटी ऐसे मूर्तियों से पूरा इसको डेकोरेट किया जाता है. स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकला. एंड दिस वन इज अ हर्मिका एंड दिस इज छत्री, ठीक है. ये सभी अभी बताऊंगी थोड़ी देर में. लेट मी फर्स्ट चेक कि कितना टाइम हुआ है, बिकॉज एक घंटे का ही सेशन है. ओके, एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, बट ठीक है, लेट मी फर्स्ट फिनिश इट. थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, बाकी इसको फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे. एनीवेज, सो आई वाज टेलिंग यू दैट 9 स्तूपाज उस टाइम पे बनाए गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, जिसमें जो 8 स्तूपाज थे, दे हैड द रिलिक्स ऑफ बुद्धा एट देयर मेढ़ी. लेकिन जो 9th स्तूपा था, रिलिक्स कहाँ रखे गए थे? मेढ़ी पे, यानी नीचे जो उसके एकदम कोर में. लेकिन जो 9th स्तूपा था, दैट हैड द पॉट इन विच द रिलिक्स वर ओरिजिनली कैप्ट. जो पॉट जो था जिसमें जो बुद्धा की एशेज रखी गई थी, जिसमें अस्थियां रखी गई थी, 9th स्तूपा में ये पॉट रखा गया है, ठीक है. एंड द मेढ़ी एंड द तोरानास, दे वर डेकोरेटेड बाय वुडन स्कल्पचर. अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वुडन स्कल्पचर, वुडन जो मूर्तिकला है, वुड से बनाई गई, उससे ये पूरा जो गेटवेज हैं इनको डेकोरेट किया गया है. रिव्यू, यू आर आस्किंग मी वेदर वी कैन स्किप वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स और नॉट. येस यू कैन. वर्ल्ड हिस्ट्री आपके नहीं आती है कभी भी प्रीलिम्स में, दैट इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं. मेक श्योर कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल समिट, ये स्किप ना करें, क्योंकि ये पार्ट कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो मेंस में इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, ये प्री में नहीं आएगा, लेकिन प्री में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. ओके, सो अभी टाइम हो ही चुका है, तो अभी हम क्या करते हैं, प्रदक्षिणा पाथ होता है, दिस इज़ द प्रदक्षिणा पाथ. यहाँ पर जितने भी जो टूरिस्ट होंगे, दे कैन चक्कर लगा सकते हैं इसका, दैट इज़ द प्रदक्षिणा. एंड दिस वन इज द अंडा. एज यू कैन सी हियर, ये जो सरफेस होगा इसका, ये प्लास्टर किया गया है. इस प्लास्टर के नीचे क्या है? प्लास्टर के नीचे है पहले, सबसे पहले बर्नट ब्रिक्स. पूरा इसको स्ट्रांग बनाने के लिए बर्नट ब्रिक्स है. एंड उसके नीचे जो कोर में पूरा यूज किया गया है इसमें स्तूपा में, दैट इज द अनबर्नट ब्रिक, अनबर्नट ब्रिक. एंड दिस इज द छत्री एंड दिस इज हर्मिका. बाकी इसका क्या सिग्निफिकेंस है फर्दर, ये सिग्निफिकेंस हम कल डिस्कस करेंगे, अगर कल क्लास है. अगर कल क्लास होगी, अभी आई हैव नॉट बीन नोटिफाइड अबाउट इट, बट इफ देर इज अ क्लास टुमारो, देन दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबली एट 9:30 आप लोग देख लेना. बाकी दिस वाज द सेकंड लेक्चर इन आर्ट एंड कल्चर, तो लेक्चर नंबर 1 भी अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी पे, यू विल गेट द एक्सेस टू लेक्चर नंबर 1. एंड यहाँ पर यूट्यूब पे 4 आपके लेक्चर्स रहेंगे. इन 4 लेक्चर्स के अलावा अगर आपको कोई भी और क्लास अगर ज्वाइन करनी है, तो आई विल बी टेकिंग 10 स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी. स्पेशल क्लास आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट फ्री होती हैं, या फिर शायद आई थिंक यू हैव टू एक्सेस दैट इन 1 रुपीज, आप आसानी से कर सकते हैं. तो फिर फर्दर हम स्पेशल क्लासेस में दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए, वो डिस्कस करेंगे. लेकिन मैं आपको पहले ही नोटिफाई कर रही हूँ दैट 10 स्पेशल क्लासेज होंगी, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. प्रॉबेबली टाइम जो स्पेशल क्लासेस का रहेगा वो भी रात को ही रहेगा, 9:00 और 9:30 के अराउंड,
ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें. अगर आपको स्पेशल क्लासेस सब्सक्राइब करनी है, ₹1 में स्पेशल क्लासेस यू कैन सब्सक्राइब, एक एक घंटे की क्लासेस होंगी. ठीक है, विल फर्दर डिस्कस इट. दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ. एक घंटे से ऊपर हो चुका है तो अभी हम एंड करेंगे. गुड नाइट, बाय बाय.